नमस्ते, आज मैं आपको ये फूल बनाना सिखा रही हूँ। देखिए, पहले हम एक चैन बनाएंगे। देखिए, चैन ढीली ढीली बनानी, ज़रा टाइट हाथ से नहीं बनानी। इतनी लंबी चेन बहुत है। अब उसके बाद ये एक दो दो चेन के बाद तीसरी चेन के अंदर ऐसे डालेंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर दो चेन बनाएंगे ऐसे, एक दो, और नीचे से भी एक दो और तीसरी वाली में डालेंगे ऐसे। फिर एक दो, और फिर यहाँ से भी एक दो और तीसरे नंबर में डालेंगे ऐसे, एक दो, और यहाँ से भी एक दो और तीसरा नंबर, ऐसे करके पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में दो चेन ली है, एक दो, उसके बाद फिर इसके अंदर यहाँ पे ऐसे एक चेन, ये एक जो बोलते हैं ऐसे लिया, उसके बाद तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन, और फिर ये इसके अंदर ही लेने ऐसे करके, एक धागा ऐसे लेके इसको हम क्या बोलते हैं, राइस या चावल जो भी बोल सकते हैं वो बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अगली वाले उसमें ऐसे, और फिर तीन चेन, एक दो और ये तीन ऐसे लेके, और ये फिर वैसे ही करेंगे, इसके अंदर लेंगे अगले उसमें, और फिर तीन, एक दो और ये तीन, और फिर उसी के अंदर दोबारा से ये देखिए ऐसे लेंगे। फिर एक दो तीन, ऐसे पूरी लाइन कर लेंगे, एक लाइन कर लिए। अब हम इसको एक यहाँ पे चेन लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे पलटेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर हमने छः जो बनाने हैं, यानी छः ऐसे चावल के दाने जिनको बोलते हैं राइस, ऐसे बनाने हैं, एक दो तीन चार
पाँच और ये छः, और इसके बाद इधर बंद करना है इसको, यहाँ पे ले जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे नीचे। फिर अगली लाइन में फिर इस वाले छेद में फिर डालेंगे छः, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब इसको इधर इन दोनों के बीच में एक चेन के साथ ऐसे बंद कर देंगे, ये देखिए। फिर अगले वाले छः इसमें फिर छः बनाएंगे, ऐसे ही करके पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक चैन से ऐसे बंद कर देंगे, फिर दोबारा छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। ऐसे ही पूरी लाइन करनी है। देखिए ये ऐसे बनता हुआ आएगा, फिर इसको हम बाद में सुई से सी लेंगे। ये पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए लाइन पूरी होने वाली है। ये इसमें पाँच ये छः, और इसको नीचे यहाँ पे कोने पे ऐसे ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से लिया, अब इसको हम सुई से सिलेंगे। ये ऐसे करके अभी मैं सिलना बताती हूँ, पहले ऐसे हाथ से बताती हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे ये धागा नीचे अभी सुई के साथ आ जाएगा। ये देखिए ऐसे आएगा, अभी मैं सिलना बताती हूँ। ये देखिए इसको पहले इसको हाथ से ऐसे सेट कर लेंगे फूल को, इनको दो को इकट्ठा बिल्कुल हल्के ढीला ढीला फोल्ड करेंगे आराम आराम से। ये हो गया फोल्ड, अब इसको यहां से पकड़ के ऐसे सिल देंगे। एक एक के अंदर से ऐसे निकालेंगे, नीचे तक का सिल जाएगा सारा। बिल्कुल ढीले हाथ से सिलेंगे, टाइट सिलेंगे तो फूल टाइट टाइट होएगा जो अच्छा नहीं लगेगा देखने में।
लूंगी। ये ऐसे हो गया इसके साथ, है ना। बस इसको इनको दोनों को पकड़ के ऐसे नॉट लगा देंगे। ये हो गया काम।